सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम का है। आपको हम बता दें कि लालू यादव के अंदाज में गाय को चारा खिलाते दिख रहे हैं, गाय के लिए चारा भी तैयार कर रहे हैं और इनका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आमतौर पर लोगों के अंदर ये छवि बनी हुई थी कि मंत्री के आगे पीछे लंबी गाड़ियों की कतार लगी रहती है, बॉडी गार्ड आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन यह वीडियो जब सामने आया तो लोगों ने जाना कि सुरेंद्र राम कितने साधारण व्यक्ति हैं। उनका जब वीडियो सामने आया तो लोगों ने देखा कि किस प्रकार वो गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय के लिए चारा भी तैयार कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से लालू यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इसी तरह अपनी गायों की भैंसों की सेवा करते थे, उनके लिए चारा तैयार करते थे, उसी अंदाज में सुरेंद्र राम को भी देखा जा रहा है और उनके साथ उनका नाम भी जोड़ा जा रहा है। यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं इस वीडियो का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका मानना है कि सुरेंद्र राम चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के वीडियो को खुद से वायरल करवाए हैं, क्योंकि यह वीडियो जो है उनके सामने बना है और उनके दरवाजे पर बना है। वो जो कार्य कर रहे हैं हर एक चीज़ों को बड़ी बखूबी से दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि शायद वो कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने गया हो, या फिर कोई दोस्त आया हो, या फिर गाँव के अन्य कोई इसी व्यक्ति ने इस तरह के वीडियो को शूट किया हो और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो के कारण जो लोकप्रियता है सुरेंद्र राम की वो बढ़ रही है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से वो गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय का चारा तैयार कर रहे हैं, लोग इसे देख करके काफ़ी सराह रहे हैं। उनका मानना है कि मंत्री की छवि हमारे नज़र में जो था उसे बिल्कुल विपरीत सुरेंद्र राम बहुत ही साधारण तरीके से जिंदगी को व्यापन कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? ये वीडियो जानबूझकर वायरल किया गया है या फिर वायरल हो गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।